दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल चीन को बड़ा झटका देने जा रही है। जी हाँ, कंपनी आईफोन के बाद एयरपोर्ट्स और बीट्स हेडफोन का प्रोडक्शन भी चीन से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने अपने सप्लायर्स को एयरपोर्ट्स और बीट्स हेडफोन का कुछ प्रोडक्शन चीन से बाहर शिफ्ट करने को कहा है। अमेरिका की ये दिग्गज टेक कंपनी भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है। वे पहले से ही भारत में आईफोन के कुछ मॉडल बना रही है, साथ ही हाल ही में लॉन्च आईफोन 14 को भी भारत में असेंबल किया जा रहा है। चीन की सख्त लॉकडाउन पॉलिसी और अमेरिकी तथा चीन के बीच तनाव के कारण एप्पल चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है। सूत्रों के अनुसार कंपनी भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सप्लायर से बात करी है। आईफोन असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत में बीट्स हेडफोन बनाने की तैयारी कर रही है। बाद में एयरपोर्ट्स का प्रोडक्शन भी भारत में किया जा सकता है। चीन में एयरपोर्ट्स बनाने वाली कंपनी लक्ष्यर प्रिसिशन इंडस्ट्री भी भारत में एप्पल की मदद के लिए तैयार है। एप्पल के प्रोडक्ट्स में आईफोन के बाद एयरपोर्ट्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। सालाना 7 करोड़ से अधिक यूनिट्स की बिक्री होती है। एप्पल ने 2017 में भारत में आईफोन बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले साल कंपनी ने भारत में उत्पादन बढ़ाया है। कंपनी अब यूरोप जैसे मार्केट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत में उत्पादन करी है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के मुताबिक हैंडसेट के प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 2016 में करीब 9% थी, जो 2021 में बढ़कर 16% पहुंच गई है। इस दौरान चीन की हिस्सेदारी 74% से घटकर 67% रह गई है। आईडीसी के साथ टेक एनालिस्ट जॉय यान ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का हब बनकर उभर सकता है। उन्होंने कहा कि चीन ने कई साल तक अपना दबदबा कायम रखा और भारत उसकी सफलता से सीख रहा है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी ताकत बनाने की क्षमता रखता है। उसके पास टैलेंटेड इंजीनियरों की फौज है और बड़ा घरेलू बाजार है। भारत में आईफोन का निर्यात अप्रैल के बाद से 5 महीनों में $1 अरब को पार कर गया है। भारत में बने आईफोन्स मुख्य रूप से यूरोप और मध्य पूर्व में भेजे जा रहे हैं। मार्च 2023 तक 12 महीनों में ये आंकड़ा $2.5 अरब तक पहुंच सकता है। ये मार्च 2022 तक भारत द्वारा निर्यात किए गए $1.3 अरब मूल्य के आईफोन्स का लगभग 2 गुना है। हालांकि भारत आईफोन के कुल उत्पादन का एक छोटा हिस्सा ही बनाता है। चीन में जहां 23 करोड़ आईफोन तैयार होते हैं, वहीं भारत में फिलहाल केवल 30 लाख आईफोन ही तैयार किए जाते हैं। चीन में 58% आईफोन तैयार किए जाते हैं।